अधिसूचना जारी होने के बाद जिले की 3 सीटों के लिए प्रत्याशी नामांकन फॉर्म लेने जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंच रहे हैं। इसी क्रम में प्रत्याशी व उम्मीदवार चर्चा में बने रहने के लिए अनोखे अंदाज भी दिखा रहे हैं। सेवड़ा विधानसभा क्षेत्र के एक प्रत्याशी ने 5 साल से एक एक दो दो रुपये के सिक्के जोड़े और उन्हें लेकर नामांकन फॉर्म खरीदने पहुंचा। ये सिक्के बोरी में इकट्ठा कर जब नामांकन फॉर्म लेने पहुंचा तो वहां मौजूद अधिकारी कर्मचारी सन्न रह गए। बताया जा रहा है कि सिक्कों की गिनने में ही कर्मचारियों को 4 घंटे लग गए। मसलन सिक्के गिनने में काफी समय लगने से संबंधित प्रत्याशी को तत्काल नामांकन फॉर्म प्राप्त नहीं हो सका। विधानसभा चुनाव के दौरान चर्चा में बने रहने के लिए उम्मीदवार अनोखे अंदाज में नए नए पैतरे आजमाते दिखाई दे रहे हैं। ऐसा एक नजारा शनिवार को जिला कलेक्ट्रेट में उस वक्त देखने को मिला जब सेवड़ा विधानसभा क्षेत्र के लिए नामांकन फॉर्म खरीदने इंदरगढ़ निवासी वीर राम कुमार पिता राम सेवक गुप्ता बोरे में 9,000 के सिक्के भरकर पहुंचे। इस तरह बोरे में सिक्के देखकर हर कोई हैरान रह गया। निर्वाचन कार्यालय में जुटे अधिकारी कर्मचारी भी उस वक्त सोच में पड़ गए जब राम कुमार गुप्ता ने नामांकन फॉर्म लेने के लिए बोरी खोली और उसमें पॉली बैग में भरे सिक्के टेबल पर उड़ेल दिए। किसके लिए लेके आए हो? सेवड़ा विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 20 से विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए लेके आए। कहाँ से एकत्र किए? दुकान है हमारी, किराने की दुकान है और चूरन की दुकान है, तो चूरन बेचत हैं। चूरन ग्राहक लोग ले आते हैं, वो 5 के लिए, वो 10 के लिए, वो 2 रुपया चूरन लेते हैं। जीरो भी बेचत, सौंठ भी बेचत, किराने की दुकान में सब चीज़ें बेचते हैं। तो देहाती लोग हैं, 2-2, 5-5 रुपये सौदा ले जाते हैं। तो और अन्य ग्राहक बड़े व्यापारी लेते नहीं हैं, बैंक भी नहीं लेते, तो अपने डबला में रखा जाते हैं जी। तो चुनाव के समय जब चुनाव लड़ा था तो चुनाव के लाने के इतने कर रहे थे 5-6 साल से। चुनाव लड़ने का उद्देश्य क्या है? चुनाव लड़ने का उद्देश्य तो मेरा कुछ नहीं है, जनसेवा करना है, जनता की समस्याओं को आवाज़ उठाना है। जनता की जो मूलभूत समस्याएं हैं, जैसे कि सेवड़ा का पुद्धा बाईपास है, इंद्रगढ़ में कई समस्याएं, भ्रष्टाचार है, तो इस उद्देश्य से चुनाव लड़ रहे। कभी ना कभी ईश्वर की कृपा से और जनता की कृपा से विधानसभा पहुँचेंगे और विधानसभा में ऐसे सारे क्वेश्चन उठाएंगे। जो भ्रष्टाचार हो रहा है जिले में, अत्याचार भी हो रहा है और कई काम पेंडिंग में डरे हैं। जैसे इंद्रगढ़ में सीएम राय स्कूल बनने के लिए 2 साल हो गए, अभी तक का काम चालू नहीं हुआ। ऐसे कि बाईपास रोड है, ऐसे मुद्दा है सेवड़ा का, रतनगढ़ माता का और नाच नदी का पुल 2 साल टूटे हो गए हैं। जनता परेशान हो रही है, नेता लोग कोई ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए चुनाव लड़ने का विचार किया है और जनता की समस्या का समाधान करेंगे, जनता की आवाज़ उठाएंगे। विधानसभा सत्र में भी धरना की जरूरत है तो अनशन भी करें। अच्छा, किससे लड़ रहे हो चुनाव? ये दूसरी बार लड़ रहे हैं, 18 में लड़ा था विधानसभा का, अब ये 23 में दूसरी बार लड़ रहे हैं। कितने रुपए की चिल्लर लेकर आए हुए? अभी 8-9 हज़ार की चिल्लर है। फार्म में कितनी लगना है? फार्म में 10 हज़ार लग रहा है। तो क्या कम पड़ेंगे? ये कम पड़ेंगे तो कछु हम 100-100 के लाए हैं। दतिया से राजेंद्र पटवा की रिपोर्ट।